राजधानी दिल्ली से एक अजब मामला सामने आया है, जहां जन्मदिन मनाने के दौरान हुड़दंग करने से रोकने पर एक शख्स ने BMW कार से पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मार दी। मामला दिल्ली के सरिता विहार इलाके का है, जहां एक शख्स सड़क पर जन्मदिन मना रहा था, जिसे एक पुलिस वाले ने रोका तो उस शख्स ने पुलिस कांस्टेबल पर ही अपनी BMW कार चढ़ा दी। और इतना ही नहीं, उस शख्स ने एक जूस की दुकान में भी अपनी गाड़ी घुसा दी। जूस की दुकान के मालिक का कहना है कि शख्स ने गाड़ी दुकान के अंदर घुसा दी, जहां दो लोग सो रहे थे। यहां पर आपकी दुकान है, क्या हुआ है आपके जूस के स्टॉल पे? गिरा पड़ा क्या कहीं? जूस के स्टॉल पे ये हुआ था, रात को 11:30 से 12 बजे की दुर्घटना है ये। दो लड़के मेरे लेटे हुए थे यहाँ पे, एक लड़का घूमने के लिए आया था गाँव से यहाँ पे, और एक लड़का मेरे पास काम करता है। तो जो लड़का घूमने आया था, छोटा वाला लड़का, वो सो रहा था, बड़ा लड़का जग रहा था। उसने अचानक एकदम देखा तो स्पीड से बड़ी तेज गाड़ी आई, एकदम से उसने टक्कर मारी, तो वो दोनों को उछाल के वहाँ फेंक के मारा उनको। छोटे लड़के का तो बच गया, उसको कोई चोट नहीं आई, लेकिन जो बड़ा लड़का है उसको चोट लग गई, थोड़ा आँख में बुलेट आ रहा उसका। एम्स में उसका मेडिकल कराया था, तो उसमें उसका क्या चीज़ की दुकान थी? ये डेली जूस कौन हो रहे हैं? जूस जूस की शॉप है। तो कौन सी गाड़ी थी जिसने टक्कर मारी? BMW गाड़ी थी। आप कब से जूस का कॉर्नर चला रहे हैं? ये मेरा 8 साल हो गया, 8-9 साल। तो आप इसके ओनर हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? फिरोज नाम है। आपका नाम? गुलाब नबी आजाद। आजाद जी, यहाँ पे सोनपुर खागर में आपकी जूस की स्टॉल है जी, क्या हुआ था? आपके भतीजे की है स्टॉल? भतीजे की है। रात में हम सब तो घर थे, लेबर वगैरह इसमें सो रही थी, लड़के थे, तो उधर से रॉन्ग साइड से गाड़ी आकर सीधी इसमें ठुकी है। कौन सी गाड़ी? BMW। हाँ, तो उसने ठोकी है गाड़ी। है क्या बताया जा रहा है कि पुलिस वालों को भी पीछे? हाँ, पता लगा कि पीछे से पुलिस वालों में चोट लग के आई है, वहाँ पे मार के आए हैं, यहाँ से भाग रहे हैं। तो जब आप लोगों को क्या पता चला इसके बारे में, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, पीछे उनका कुछ हुआ होगा, वो इधर से भाग रहे थे, उधर साइड में बैरिकेड लगे रहते हैं, वहाँ से रास्ता बंद रहता है, तो नाइट में रोड साइड निकलती हैं गाड़ियाँ। तो इधर से गाड़ी निकली, सामने से फायर ब्रिगेड आ रही थी, उसको बचाने के चक्कर में इसमें घुसी है गाड़ी एकदम अंदर। हाँ, तो आपके जो इसमें लड़के जो सो रहे थे उसमें से उनको चोट भी आई? हाँ, एक लड़का है उसको चोट आई है। क्या नाम है उसका? सरफराज। BMW के मालिक ने पुलिस वाले पर टक्कर मारी, जिससे पुलिस कांस्टेबल जितेंद्र को काफी चोट लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांस्टेबल के दोनों पैरों में प्लास्टर बंधा हुआ है। साथ ही तस्वीरों में ये भी साफ पता चल रहा है कि टक्कर कितनी भयानक लगी होगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार BMW के मालिक की खोज कर रही है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ आशुतोष कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली।